इंस्ट्रक्टर हिना शरीफ, कोर्सेज फार्माकोग्नोसी 1B BA से. इस कोर्स कोड इज़ FARM416. वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 4 विच इज़ पेस्टिसाइड. दिस चैप्टर इज इंक्लूडेड इन द सेकेंड प्रोफेशन फार्मडी सेकेंड सेमेस्टर. हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं जो कि पेस्टिसाइड है, और ये सेकेंड प्रोफेशन फार्मडी के सेकेंड सेमेस्टर में इंक्लूडेड है. हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स किया, इसके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया, इसके डिफरेंट पेस्ट कंट्रोल मेथड्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया. आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे नेचुरल पेस्टिसाइड्स की, वो एजेंट जो कि प्लांट्स ड्राइव हैं. सिंस वी आर स्टडिंग फार्माकोग्नोसी, सो फार्माकोग्नोसी डील करती है वो ड्रग्स या वो एजेंट या सब्सटेंसेस जो कि नेचुरल रिसोर्स से ड्राइव हों. दैट्स वाई हम जो पेस्टिसाइड आज डिस्कस करेंगे, दीज ऑल पेस्टिसाइड्स आर ड्राइव फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स, दैट इज़ प्लांट फैमिली. So, in the examples of the pesticides are pyrethrum, number 1, number 2, tobacco, number 3, neem, number 4, darius root, number 5, civadila, which is also called sabadila, and number 6 is rhynia. So, these are the examples of the natural pesticides which can be used to control different pests. नंबर 1 इज पायरेथ्रम फ्लावर. पायरेथ्रम फ्लावर जो है बेसिकली इसको इंसेक्ट फ्लावर भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है. सोर्स इसका क्या है? इट इज़ ड्राइड फ्लावर हेड्स ऑफ द क्राइसेंथेमम सिनेनेरी फोलियम ऑफ फैमिली कॉम्पोजिटी. इसके पेस्टिसाइड्स को बनाने के लिए इसके फ्लावर के ड्राइड हेड्स को यूज़ किया जाता है, इसको ड्राई कर लिया जाता है. इसका साइंटिफिक नेम क्राइसेंथेमम सिनेनेरी फोलियम है जो कि फैमिली कॉम्पोजिटी से बिलोंग करती है. इसमें डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आते हैं लेकिन मोस्टली ये वाइट कलर अवेलेबल होता है. इसमें रेड भी है, पिंक भी है, डिफरेंट कलर के फ्लावर्स होते हैं. ये इंसेक्ट्स फ्लावर कहलाते हैं क्योंकि इनके अंदर इंसेक्ट रिपेलेंट एक्टिविटी होती है. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इट कंटेन टू ग्रुप ऑफ ईस्टर्स. इसके अंदर दो ग्रुप ऑफ ईस्टर्स हैं अलॉन्ग विद अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. ये ईस्टर जो है बेसिकली इट हैज़ द एंटी इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी. So that's why these chemical constituents are considered as insecticidal principles of this plant, which is pyrethrum flower. Number 1 group of ester is called pyrethrin 1, jasmoline 1 and cinnarin 1. Basically iska skeleton jo hai wo it consists of chrysanthemic acid and its acid components. Chrysanthemic acid ka skeleton hota hai, aapko niche structure bhi nazar aa raha hoga chrysanthemic acid ka. और बेसिकली जो कंप्लीट पायरेथ्रिन में भी, जैस्मोलिन वन में भी, सिनेरिन वन के अंदर भी क्राइसेंथेमिक एसिड का स्केलेटन होता है, उसके एसिड कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. जबकि ग्रुप नंबर 2 जिस जो के कहलाता है पायरेथ्रिन 2, जैस्मोलिन 2 और सिनेरिन 2, इट कंसिस्ट ऑफ पायरेथ्रिक एसिड एंड इस एसिड कॉम्पोनेंट्स. जो उसका स्केलेटन बना हुआ होता है इट इज पायरेथ्रिक एसिड एंड इस एसिड कॉम्पोनेंट. यू कैन सी द स्ट्रक्चर विच इज पायरेथ्रिक एसिड. So these are the active chemical constituent which is responsible for its insecticidal activity. These are both esters. Now the uses, it is contact pesticide. Contact pesticide उन pesticides को कहते हैं जो skin contacts जिससे अपनी toxicity produce करते हैं, body के अंदर penetrate कर जाते हैं और toxicity produce करते हैं, खासतौर पर insects में, और इसकी breathing को interfere करते हैं. सो इट इज़ यूज एज डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल इंसेक्टिसाइड. डोमेस्टिक कहते हैं घर में जो भी इंसेक्ट्स होते हैं जो कॉज कर रहे होते हैं डैमेज, जिस तरह से डिफरेंट कॉकरोचेज हैं या मॉस्किटोज़ हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, और एग्रीकल्चर इंसेक्टिसाइड जो कि किसी भी क्रॉप को डैमेज करते हैं. दोनों पर्पज़ के लिए पायरेथ्रम फ्लावर्स को यूज़ किया जाता है. बट प्रॉब्लम इज़ दैट ये लेस परसिस्टेंट होता है और लेस स्टेबल होता है, बट गिव स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइडल एक्टिविटी बाई साइनर्जिस्टिक एक्शन विद द पेप्रिनॉइल ब्यूटॉक्साइड एंड DDT विच इज़ डाईक्लोरो डाईफिनाइल डाईक्लोरो इथेन. इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता. इसी इफेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसको इन कॉम्बिनेशन विद डिफरेंट कंपाउंड्स यूज़ किया जाता है. तो ये स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइडल एक्शन प्रोड्यूस करता है, ऑल्दो इट हैज़ द स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होती. सो दैट्स वाई इसको इन दो कंपाउंड्स के साथ यूज़ किया जाता है और अदर कंपाउंड्स के साथ भी इन कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, जिसके एग्जाम्पल है पाप्रेनॉयल ब्यूटॉक्साइड और DDT. सो दैट्स हाउ पायरेथ्रम फ्लावर कैन बी यूज एज अ इंसेक्टिसाइडल एजेंट फॉर डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर पर्पजेज बाय कंबाइनिंग विद डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स. तो इस तरीके से इट कैन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी.
नंबर टू इज टोबैको प्लांट. टोबैको प्लांट का सोर्स है ड्राई लीव्स ऑफ निकोटियाना टोबैकम ऑफ फैमिली सोलेनेसी. इसके जो प्लांट का स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे तो मोस्टली इसमें बिग लीव्स होते हैं और यही जो है इसका स्ट्रक्चर कंप्राइज करते हैं. स्टेम का पार्ट आपको बहुत कम नज़र आ रहा होगा. सो एज अ ड्रग भी ड्राइड लीव्स निकोटियाना टोबैकम के यूज़ किए जाते हैं और फैमिली सोलानेसी और इसके अंदर इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी प्रेजेंट होती है. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें जो प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विद अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है विच हैज़ द इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी इज निकोटीन एंड एनाबिसिन. सो दीज आर द प्रिंसिपल विच हैज़ द इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी. इट इज़ यूज एज पेस्टिसाइड स्पेसिफिकली एज इंसेक्टिसाइड क्योंकि ये इंसेक्ट्स को किल करते हैं. सो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ टोबैको प्लांट. यू कैन सी द स्ट्रक्चर इन द डायग्राम. नंबर थर्ड इज नीम. नीम का सोर्स ऑल प्लांट पार्ट्स ऑफ एज अ डायरेक्टर इंडिका और मेलिया एज अ डायरेक्टर फैमिली मेलिएसी. नीम के हर पार्ट में चाहे वो उसके फ्रूट्स हों या लीव्स हों या स्टेम्स हों या रूट्स हों सारी पार्ट को यूज़ किया जा सकता है. इसका साइंटिफिक नेम है एज अ डायरेक्टर इंडिका. इसको मेलिया एज अ डायरेक्टर भी कहते हैं और ये फैमिली मेलिएसी से बिलोंग करती है. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसके अंदर पेस्टिसाइडल एक्टिविटी होती है उसकी एग्जाम्पल है एज़ाडायरेक्टिन. ये मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है. दिस इज़ द मेन पेस्टिसाइडल एक्शन प्रोड्यूसिंग एजेंट एज़ाडायरेक्टिन. इसके अलावा दूसरे कंपाउंड्स भी हैं जिसकी एग्जाम्पल है निम्बिन एंड सोलानिन. सब में पेस्टिसाइडल एक्टिविटी होती है. यूजेस ये एक पेस्टिसाइड है लेकिन ये एक ब्रॉड एक्शन पेस्टिसाइड है बिकॉज इसके ईच पार्ट के अंदर जो है पेस्टिसाइडल एक्टिविटी होती है एंड इट हैज़ मल्टीपल पेस्टिसाइडल एक्शन. इसकी एग्जाम्पल है इट कैन बी यूज एज इंसेक्टिसाइड. इसको इंसेक्टिसाइड के तौर पर भी यूज किया जा सकता है. फंजीसाइड. इसका जो केक एक्सट्रैक्शन के बाद ऑब्टेन होता है इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है. एक्सट्रैक्शन के बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है इट ऑल्सो हैज द एंटी फंगल प्रॉपर्टी. दैट्स वाई इसको फंगल ग्रोथ के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है. इसके अलावा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो भी इन्फेक्शन होते हैं बेसिकली उनको प्रिवेंट करता है या उनको ट्रीट करता है बाय किलिंग डिफरेंट बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नीम. यू कैन सी इन द डायग्राम के इसके ईच पार्ट को मैंशन किया हुआ है. यहाँ पर इसका फ्रूट है इसके लीव्स हैं इसके स्टेम्स हैं. ईच पार्ट हैज़ द इंसेक्टिसाइडल और पेस्टिसाइडल एक्शन. फोर्थ वन इज डेरिस रूट विच इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूबर रूट. सोर्स इज ड्राइड रूट्स एंड राइजोम्स ऑफ डेरिस एलिप्टिका एंड डेरिस मेलाक्सेंसिस ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसी. बेसिकली इसमें ड्राइड रूट्स और राइजोम्स को यूज़ किया जाता है. प्लांट का नाम है डेरिस एलिप्टिका और इसकी दूसरी स्पीशी भी है जो कि डेरिस मेलाक्सेंसिस कहलाती है. ये फैमिली लेग्यूमिनेसी से बिलोंग करती है. लेग्यूमिनेसी फैमिली वो है जिसके फ्रूट्स लेग्यूम की फॉर्म में होते हैं या फली की फॉर्म में होते हैं. सो इट्स रूट हैज़ बीन यूज एज अ पेस्टिसाइड. इसको ड्रग को प्रिपेयर करने के लिए इसकी रूट्स और राइजोम्स को यूज़ किया जा सकता है. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इट कंटेन 3 to 10% केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज़ फ्लेवोन डेरिवेटिव. फ्लेवोन डेरिवेटिव्स वो होते हैं जो कि पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होते हैं उसके डेरिवेटिव होते हैं. उसका नाम होता है रोटिनोन. रोटिनोन जो है इसके अंदर बेसिकली पेस्टिसाइडल एक्शन प्रोड्यूसिंग केमिकल एजेंट है बट इट इज़ लाइट सेंसिटिव. डेट्स वाइज इसको स्टोर करने के लिए बहुत केयर की ज़रूरत होती है. अदरवाइज इसका लाइट एक्सपोजर इसको डिग्रेड कर देता है. यूजेस इट इज़ एग्रीकल्चरल इंसेक्टिसाइड. ये क्रॉप की कल्टिवेशन के दौरान यूज़ किया जाता है. लार्वी साइड एक्शन भी होता है जो इंसेक्ट्स के लार्वा होते हैं उसको भी ये किल करता है. और इसके अंदर एक एडिशनल प्रॉपर्टी ये होती है कि इट इज़ टॉक्सिक टू कोल्ड ब्लडेड एनिमल स्पेशली फिशेस. ठीक है, फिश के लिए ये क्या होता है, टॉक्सिक होता है. दैट्स वाई इट इज़ यूज टू किल अनवॉन्टेड पॉन्ड फिश. डिफरेंट पॉन्ड के अंदर अगर ओवर ग्रोथ हो जाती है अनवॉन्टेड फिश की तो उनको किल करने के लिए भी डेरिस या ट्यूबर रूट्स को यूज़ किया जा सकता है. सो दीज आर द सोर्सेस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूजेस ऑफ द डेरिस और ट्यूबर रूट्स. नेक्स्ट इज सिवाडेला सीड्स. सिवाडेला सीड्स को सबाडेला भी कहते हैं. ये फैमिली लीलिएसी से बिलोंग करती है. इसका जो मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसके अंदर इंसेक्टिसाइडल एक्शन है इट इज़ कॉल्ड वेराट्रिन.
फेरेट्रिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि इंसेक्टिसाइडल एक्शन प्रोड्यूस करता है। यूजेस डस्ट और स्प्रे इंसेक्टिसाइड, ये दो फॉर्म में यूज होता है, डस्ट जो कि पाउडर फॉर्म में या फिर स्प्रे की फॉर्म में इंसेक्टिसाइड यूज होता है। बेसिकली इट इज़ यूज टू कंट्रोल बग अटैक वेजिटेबल्स, ठीक है, बग्स जो अटैक करती हैं डिफरेंट वेजिटेबल्स को, उसको डैमेज कर रही होती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली सिवाडेला सीड्स को यूज किया जा सकता है। यू कैन सी द स्ट्रक्चर और द डायग्राम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर। रैनिया स्पेसियोसा इज द सिक्स प्लांट। रैनिया स्पेसियोसा की जो सोर्स है, इट इज रूट्स एंड द स्टेम वुड ऑफ रैनिया स्पेसियोसा ऑफ फैमिली फ्लाकोटिएसी। दिस इज द फैमिली ऑफ दिस प्लांट, दैट इज रैनिया स्पेसियोसा। इसके रूट्स को और स्टेम दोनों को यूज किया जाता है टू ऑब्टेन द पेस्टिसाइडल प्रिंसिपल। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसके अंदर मल्टीपल इंसेक्टिसाइडल जो अल्कलॉइड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनकी परसेंटेज अराउंड 0.2% तक होती है। लेकिन इसमें जो सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसके अंदर पेस्टिसाइडल एक्शन है, इट इज़ कॉल्ड राइनोडीन। सो दिस इज राइनोडीन अल्कलॉइड विच हैज़ द पेस्टिसाइडल एक्शन। नाउ द यूजेस, इट इज़ यूज टू कंट्रोल लिपिडोप्टेरा लार्वा। लिपिडोप्टेरा मैंने आपको बताया था एक जेनेरा है इंसेक्ट्स के फाइलम का, और इसके अंदर बटरफ्लाइज और मॉथ्स इंक्लूडेड होती हैं। मॉथ्स के अलावा बहुत डेंजरस होते हैं किसी भी स्टोर्ड क्रूड ड्रग्स के लिए, इवन जो एग्रीकल्चर है डिफरेंट फसलें उनके लिए वो बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं और लीव्स को यूज़ करते हैं एज अ फूड। दैट्स वाई उनको किल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए रैनिया स्पेसियोसा के रूट्स और स्टेम वुड को यूज़ किया जाता है, और इसका जो इंसेक्टिसाइडल प्रिंसिपल है विच इज़ राइनोडीन, वो किल कर देता है इन लार्वा को, और इस तरीके से जो भी एग्रीकल्चर होती है उसको सेव करता है। और ख़ासतौर पर लार्वा जो है ये डैमेज करते हैं फ्रूट्स को भी, बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, इनसाइड फ्रूट ये प्रेजेंट होते हैं, तो फ्रूट अलॉन्ग विद लीव्स, ये जो फ्रूट का जो डैमेज है इसको भी प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है रैनिया स्पेसियोसा को। सो दीज आर द इंट्रोडक्शन एंड द कम्प्लीट फीचर्स ऑफ द फ्यू प्लांट्स जिसमें हमने डिस्कस किए। सबसे पहले वी हैव डिस्कस पायरेथ्रम। पायरेथ्रम जो कि इंसेक्ट फ्लावर था, और इसमें दो ग्रुप्स थे, ईस्टर ग्रुप्स थे, और बेसिकली ये कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड के तौर पर एक्शन करता है, बट ये लेस परसिस्टेंट और स्टेबल होता है। डेट्स वाई इसको डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ सैनर्जिस्टिक एक्शन के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, पेप्रोडॉल और डीटीटी, ये डिफरेंट एग्जांपल्स थी। और टोबैको प्लांट्स में हमने देखा कि टोबैको प्लांट जो है लीव्स ऑफ टोबैको निकोशियाना टोबैकम से ऑब्टेन किया जाता है, इसमें निकोटीन एनाबिसिन है, और ये एज ए इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है। नीम को हमने देखा, नीम में एज अ डायरेक्टिन मेन जो इंसेक्टिसाइडल प्रिंसिपल है, इट हैज़ द ब्रॉड एक्शन, ब्रॉड पेस्टिसाइडल एक्शन, इंसेक्टिसाइड भी, एंटी फंगल के तौर पे भी और एंटीसेप्टिक के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डेरिस है, ट्यूबर रूट्स को हमने देखा, ये बेसिकली इसका एक्टिव है रोटिनोन, जो कि लाइट सेंसिटिव होता है, ये एग्रीकल्चर इंसेक्टिसाइड और लार्विसाइड भी है, इवन ये एडिशनली पॉन्ड फिश को भी किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सिवाडेला सीड्स को हमने देखा था, जो कि सबाडीला भी है, वेरेट्रिन इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट था, और ये डस्ट स्प्रे इंसेक्टिसाइड थे, और ये बग अटैक वेजिटेबल्स को जो है वो प्रिवेंट करते हैं, उसको किल कर देते हैं। रैनिया स्पेसियोसा लास्ट प्लांट था, रैनिया स्पेसियोसा का एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है राइनोडीन, और बेसिकली मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, और ये यूज होता है टू कंट्रोल लेपिडोप्टेरा लार्वा को। So these are the complete features and the introduction. This is the end of this chapter, pesticides, जिसमें हमने already pesticides को discuss किया, जो कि ऐसे agents या substances होते हैं जो कि pest को control करते हैं। Pest उन agent को कहते हैं, चाहे वो plant हो, चाहे कोई microorganism हो, चाहे कोई insects या small animal हो, जो कोई भी injury, harm या destruction cause करता है वो pest कहलाता है। तो उसको control करने के लिए जो agents use होते हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगे, pesticides कहलाएंगे। इसके अलावा हमने डिफरेंट मेथड ऑफ कंट्रोल भी डिस्कस किए, जिसमें मैकेनिकल मीन्स भी थे, एग्रीकल्चरल मीन्स भी थे, केमिकल मीन्स भी थे। तो इसके डिफरेंट मेथड्स और मोड्स को डिस्कस किया कि आप इनको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। देन हमने इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया, वैसे तो वो मल्टीपल होते हैं, और इनकी क्लासिफिकेशन बेस करती है ऑन द टाइप ऑफ द पेस्ट दे कंट्रोल। फिर इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स की, जो मेन टाइप की उसमें इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड और रोडेंटिसाइड, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया। इसके अलावा भी इसकी जो मल्टीपल टाइप्स थी जो स्पेसिफिकली एक्शन करती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे, तो उनको भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर।
Then we have discussed द कम्प्लीट डिटेल्स और द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड पेस्टिसाइड के उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ईजी टू हैंडल होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सेफ्टी होनी चाहिए ताकि जो उससे कॉन्टेक्ट में वेजिटेबल्स या फिर कोई क्रॉप या एग्रीकल्चर आए तो उसके अंदर टॉक्सिसिटी ना प्रोड्यूस हो जाए, इवन लाइव स्टॉक जो उसके साथ प्रेजेंट होते हैं उसमें भी वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस ना करे और ईजी टू हैंडल हो, चीप हो और नॉन एक्सप्लोसिव होना चाहिए. साथ ही हमने डिस्पेंसिंग फॉर्म डिस्कस की किस फॉर्म में अवेलेबल है, जिसमें हमने देखा था डस्ट पेपेशन है जो कि पाउडर पेपेशन थी, स्प्रे देखी थी, एरोसोल की फॉर्म में देखा था, बेड पेपेशन की फॉर्म में देखा था. तो ये सारी डिस्पेंसिंग फॉर्म्स थी जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की. और आज के लेक्चर में हमने 6 एग्जांपल्स इसकी की उन पेस्टिसाइड्स की जो कि डिफरेंट नेचर रिसोर्सेज से या प्लांट से ऑब्टेन की जा सकती है और इसको यूज़ किया जा सकता है सोली यानी कि सेपरेटली टू कंट्रोल डिफरेंट पेस्ट, या फिर इसको इन कॉम्बिनेशन विद डिफरेंट केमिकल कंपाउंड भी यूज़ किया जाता है ताकि इसका जो इंसेक्टिसाइडल एक्शन है या पेस्टिसाइडल एक्शन हो है वो इन्हांस हो जाए और वो अपना स्ट्रॉन्ग एक्शन प्रोड्यूस करे. तो जो भी आपके पास हर्बल ड्रग्स है आइदर वो सोली या सिंगल यूज़ होती है, लेकिन मोस्ट केसेस के अंदर अगर आप इसको डिफरेंट केमिकल एजेंट के साथ कंबाइन कर दें तो उसकी एफिकेसी को, उसकी इफेक्टिवनेस को ये इंक्रीज करती है, जिसको साइनर्जेस्टिक एक्शन करते हैं. साइनर्जेस्टिक एक्शन जो है एक कॉम्बिनेशन एक्शन होता है, दो कंपाउंड जब कंबाइन होकर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन प्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड साइनर्जेस्टिक एक्शन. So this is a favorable response through which you can use different natural medicinal compounds solely or in combination with different chemical compounds to get the maximum benefits. So that's the end of the lecture. If you have further queries or further question, you can ask in the interactive session as well as you can message me on HULMS. So in the next lecture, inshallah, we will start the next chapter. Okay then. Okay, Allah Hafiz.